Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Dinamine Namaste Saraswatdevi Gaudavani Prasarine Nirvishesha Sunyavadi Paschade Satarine Namo Mahabhadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratrise Namaha Tapta Kanchana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneswari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Jat Kirtanam Jat Smaranam Jat Ikshanam Jad Bandhanam Jad Shravanam Jad Arhanam Lokasya Sadyo Vidhunoti Kalmasam Tasmai Subhadra Sravase Namo Namaha Vancha Kalpataru Vyascha Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavane Vyo Vaishnave Vyo Namo Namaha Yam prabrajantam anupetam apeta krityam dvaipayano virahaka tarayajuhava Putreti tanmayataya taravo bhinedus tam sarvabhuta hridayam munimanatosmi Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya अथ नवमोऽध्यायः सब लोग पुस्तिका देखिए सुत उवाच इति भीतः प्रजा द्रोहात् इसके आवाज को थोड़ा कम कीजिए ज्यादा है हाँ हाँ कर रहा है इति भीतः प्रजा द्रोहात् सर्वधर्म विविदसया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत् तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्वै स्वर्णभूषितै अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यास धौम्यादयस्तथा भगवान् अपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जयः स तैर्व्यरोचत नृपः कुबेरैव गुह्यकये दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरम् प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मम् सानुगा सह च क्रीडा श्रील सूत गोस्वामी ने कहा इति इस प्रकार भीतः डरे हुए प्रजा द्रोहात् प्रजा को दुख हुआ था इस कुरुक्षेत्र में
अनेक मनुष्यों की हत्या हुई थी, उनकी हत्या का कारण अपने को मानकर महाराज युधिष्ठिर बहुत डरे हुए थे। सर्वधर्म विविदया, सबके कर्तव्यों को जानने की इच्छा से अथवा राजा के द्वारा सीखने लायक सभी नियमों को, धर्मों को जानने की इच्छा से ततः तब विनाशनम कुरुक्षेत्र प्रागात गए जत्र जहां देवव्रतः भीष्म पितामह अपतत बाण सज्जा पर पड़े हुए थे। अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करके और भगवान की लीलाओं में से एक लीला जिसमें भगवान ने अपने परम प्रिय भक्त भीष्म पितामह पर अनुग्रह किया है, उस लीला को कहने की इच्छा है। आप सभी वैष्णव जहाँ तहाँ से जुटे हुए हैं और आप सबके चरणों में प्रणाम करके मैं भगवान की इस लीला को कहने का प्रयास कर रहा हूँ। वास्तव में महारानी कुंती ने भगवान का गुण गाया, पर श्रील प्रभुपाद जी हम लोगों के लिए कहते थे कि टीचिंग सब क्वीन कुंती, कुंती महारानी के उद्गारों में बहुत शिक्षाएं हैं मानव जाति को, जो शिक्षाएं कृष्ण प्रेम को वर्धित करती हैं। जिस परिवार में कुंती का विवाह हुआ था वह परिवार पूर्णतः श्री भीष्म पितामह से युक्त है, उनसे कनेक्टेड है। तो इस वर्ष श्रीमद् भागवतम के उसी प्रसंग के निरंतरता में यह प्रसंग है। आठवें अध्याय में कुंती महारानी की शिक्षा है और नौवें अध्याय में भगवान कृष्ण के प्रति भीष्म पितामह का उद्गार दिया गया है। जहाँ से कथा बंद हुई थी वहीं से मैं प्रसंग लिया जा रहा है। आपने सुना था कि कुंती महारानी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण रथ से उतर गए और द्वारका नहीं गए, अपने बुआ की बात को रखने के लिए भगवान अपनी बनाई हुई योजना, जाने की तैयारी हो चुकी थी, रथ पर चढ़ चुके थे, फिर भी बुआ की प्रार्थना से वे उतर गए रथ से और द्रौपदी से मिले, सुभद्रा से मिले, कुछ दिन के लिए रुक गए। इधर क्या हो रहा था कि महाराज युधिष्ठिर निरंतर शोक में रह रहे थे, दुख रोते रहते थे। उनको संपूर्ण विश्व का साम्राज्य प्राप्त हुआ था लेकिन फिर भी वह सुखी नहीं थे, बहुत रो रहे थे। उनको बहुत से ऋषि मुनि समझाने लगे। व्यासाद्य ऋश्वरे हाग्ये कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबोधितो पितिहास नाबुद्ध्यत सुचारपितः। अनेक ऋषि मुनि समझा रहे थे, महाराज आपका कोई दोष नहीं है, यह युद्ध होने वाला था, इसे रोकने का बहुत प्रयास किया गया लेकिन रुका नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपने किसी की हत्या नहीं की है, यह युद्ध होना था
दैव कराया है, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन महाराज युधिष्ठिर कोई भी बात सुनते थे तो और उनका शोक बढ़ता था, नहीं मैं हत्यारा हूँ, मैंने निर्दोष प्राणियों का वध कराया है इस महाभारत युद्ध में, मुझे नरकों से निस्तार नहीं मिलेगा, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता। युद्ध के पहले अर्जुन को शोक हुआ और युद्ध के बाद युधिष्ठिर को। युद्ध करने से पहले अर्जुन कहने लगे हम युद्ध नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा पाप है, स्वजनों का वध होगा, ये होगा होगा, हम इस राज्य के लिए क्या युद्ध करेंगे, हमें स्वर्ग का राज्य मिले तब भी हम युद्ध नहीं करेंगे। तो भगवान रथ पर ही थे, वे समझाना चालू किए। अगहन कृष्ण एक अगहन शुक्ल एकादशी के दिन ये युद्ध चालू हुआ था और उसी दिन युद्ध के प्रारंभिक दिन में गीता का उपदेश किया भगवान ने, जिसे गीता जयंती कहते हैं। तो युद्ध के बिल्कुल प्रारंभ में अर्जुन को बहुत बड़ा शोक हुआ तो उसका निवारण भगवान ने किया गीता का उपदेश करके, बहुत सुंदर उपदेश है। और युद्ध जब समाप्त हुआ तब युधिष्ठिर महाराज रोना चालू किए, तो उनका तो शोक कई दिन चला। व्यासाद्य ईश्वरे हाग्य, जो लोग ईश्वर की इच्छा को भगवान कृष्ण के पर्पस को समझते हैं या अज्ञेय नहीं समझते हैं, दोनों अर्थ हैं। तो वे ऋषि लोग समझा रहे थे महाराज को बारी बारी से। एक बार एक साधु कथा कह रहे थे कि ऋषि लोग भोजन कर कर के नाश्ता कर कर के युधिष्ठिर महाराज को समझाना चालू करते थे, इतिहास सुना रहे थे क्या क्या, जितना सुनाते थे हाय हाय करते रहते थे युधिष्ठिर, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ ऐसा हूँ ऐसा हूँ। तो भगवान कृष्ण समझाते थे कि भैया ये युद्ध में आपका कोई दोष नहीं है, ये होने वाला था, आपने तो युद्ध रोकने का प्रयास किया, हमको खुद आपने संधि दूत बना करके भेजा कि युद्ध न हो, लेकिन जो चीज़ होने वाला होता है उस पर किसी का बस नहीं चलता है, आप चिंता मत कीजिए, आप राजा बनिए और प्रजा का पालन कीजिए। तो महाराज युधिष्ठिर और विलाप करते थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं कि जब श्री कृष्ण संधि दूत बनकर गए थे तो कौरवों की सभा में दुर्योधन को समझा रहे थे कि तुम न्याय करो, पांडवों को आधा राज दे दो, ये करो वो करो, लेकिन दुर्योधन के भी हृदय में रह करके उसको समझने नहीं दे रहे थे, इसलिए उनको अद्भुत कर्मणा कहा गया है। कृष्ण का अद्भुत कर्म है, भीतर परमात्मा रूप से वे समझने नहीं देते, मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, और बाहर से संधि उत्पन्न करके अनेक पॉइंट बता रहे हैं कि ठीक है सुलह कर लेना चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए, पांडव जुए में राज हार गए थे, 12 वर्ष वनवास किए, 1 वर्ष अज्ञातवास किए, आप बात मान लो हमारी और पांडवों को राज दे दो। तो उधर दुर्योधन के हृदय में रह करके पांडवों का विरोध करवा रहे थे, कभी नहीं, सुई की नोक से जितनी जमीन छेदी जाएगी उतना जमीन भी नहीं दे सकता, और समझा रहे थे भगवान। बताइए भगवान जिसको समझाने और वो न समझ जाए, लेकिन वो समझने देना चाहते नहीं थे, दुर्योधन के हृदय में है भगवान। दुर्योधन ने कहा भी भगवान कृष्ण से, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, मैं धर्म जानता हूँ कि क्या है लेकिन उसमें हमारी रुचि नहीं है, और जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति, और मैं ये जानता हूँ कि क्या पाप है अधर्म है लेकिन उससे हमारी निवृत्ति नहीं है, मैं उसको छोड़ नहीं पाता हूँ, क्यों? भगवान ने कहा, तो कहा कोई भीतर हृदय में है वो हमको समझने नहीं दे रहा है। ऐसा स्पष्ट भगवान से बोला।
कोई सबके सबके हृदय में जो है वही हमारे हृदय में है और हमको समझने नहीं दे रहा है. और वास्तव में श्री कृष्ण समझने देना नहीं चाहते थे. तो ठीक है, युधिष्ठिर महाराज के प्रति भी वही विचार है. श्री कृष्ण समझा रहे थे, भगवान वेदव्यास समझा रहे थे और उनके गुरु महाराज युधिष्ठिर के गुरु महाराज धौम्य मुनि समझा रहे थे और कितने कितने लोग बारी बारी से तांता लगा ही रहता था समझाने का. सेमिनार चलता था, शांति दिया जाए, इनको शांति दिया जाए, लेकिन उनको शांति नहीं मिलती. जब भगवान समझा रहे थे, ऋषि लोग समझा रहे थे, तो महाराज युधिष्ठिर एकाएक बोलना चालू किए. प्रबोधितो पितिहासे ना बुद्धे सुचार पिता. वो नहीं समझ रहे थे तो बोलना चालू किए. अहो मे पश्यता ज्ञानम हृदि रूढ़म दुरात्मना, पारक कैश्यव देहस्य बहो मे औक्षणी रहता. अरे मेरा जरा ज्ञान तो देखिए. वो लोग ज्ञान दे रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन महाराज युधिष्ठिर कहते हैं पश्यता मे अज्ञानम, मेरा अज्ञान जरा देखिए, विचार कीजिए. यह देह क्या है? यह देह पारक्य है, सियार और कुत्ते का आहार बनेगा एक दिन. इस देह के सुख के लिए मैं कई औक्षहोणी सेना का संहार करवा दिया है. और लोग समझा रहे थे लेकिन उनकी बात तो सुन नहीं रहे थे, अपनी बात कहते जा रहे थे. क्या युधिष्ठिर महाराज अपने देह के सुख के लिए महाभारत युद्ध कराए थे? नहीं, भगवान कृष्ण की इच्छा थी और होने वाला था, इसलिए तो दुर्योधन नहीं मान सका. बार बार सेना की तैयारी करके भी युद्ध रोकने का प्रयास किया जा रहा था, कई लोगों को भेज करके, और स्वयं श्री भगवान गए समझाने के लिए, कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए, लेकिन नहीं होना था. इसमें युधिष्ठिर का क्या दोष है? लेकिन युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ये मेरा दोष है, मेरे अज्ञान को तो देखो. इस देह सुख के लिए जो कुत्ते और सियार का भोजन बनेगा, इसके लिए मैंने अनेक लाखों लोगों का वध कराया इस कुरुक्षेत्र में. बाल द्विज सुहृद मित्र पितृ भ्रातृ गुरुद्रुह, ये मैं मानता हूँ. सेना में या युद्ध में वध होता ही है, जब युद्ध होता है तो वध होगा ही, लेकिन हमने जिन लोगों का वध कराया वे बाल बच्चे थे. अनेक बच्चों की हत्या हुई इस कुरुक्षेत्र में, इस युद्ध में अनेक बच्चे मारे गए. बाल द्विज अनेक ब्राह्मण मारे गए, सुहिन अपने सगे संबंधी मारे गए, और मित्रम सखा लोग मारे गए, और भाई दुर्योधन आदि भाई हमारे मारे गए, और कर्ण भी उसमें उसका उनका तात्पर्य बन रहा था कि भाई की हत्या हुई. कर्ण मेरा भाई था, दुर्योधन भी मेरा भाई था, ये सब भाई मारे गए. और पितृ भीष्म पितामह आदि पितर ही थे, पूर्वज थे, ये सब मारे गए. कई लोग पितृ मारे गए, जो मामा शल्य मारे गए, और गुरु अनेक गुरुजन मारे गए, कृपाचार्य द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह भी गुरु ही थे. युद्ध में मैंने इतने इतने लोगों की हत्या कराया. नमे स्यान निर्यान मोक्षो यपि वर्ष युतायुत, अयुत अयुत 10,000 से 10,000 का गुणा किया जाए, अर्थात करोड़ों करोड़ों वर्षों तक यदि मुझे नरक में पचाया जाए फिर भी मैं शुद्ध नहीं हो पाऊंगा. इसी बात बोल रहे, लाखों करोड़ों वर्ष तक भी यदि मुझे नरक में फेंका जाए फिर भी मेरा पाप नहीं जाएगा, मैंने इनकी जो हत्या कराई है. तो फिर मन में आया युधिष्ठिर महाराज के, मैं इति भीत प्रजा द्रोहात इसकी व्याख्या कर रहा हूं. नैनः राज्ञः प्रजा भर्तुर धर्म युद्धे बधो दिशाम इति मेन तु बोधाया कल्पते शासनम बच.
महाराज युधिष्ठिर बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष थे, राजर्षि थे, उनको सब पता था। तो एक बार उनके मन में आया, किसी ने कहा, ऋषि ने, कि महाराज आपको पता है युद्ध के बाद जब राजा अश्वमेध यज्ञ करता है तो अश्वमेध यज्ञ के द्वारा उसकी सारी हिंसा की हत्या का पाप नष्ट हो जाता है, उसे पाप नहीं लगता है। तो महाराज युधिष्ठिर तर्क करते हैं, हाँ मैं मानता हूँ यदि शत्रुओं का वध किया जाए और वो भी धर्म युद्ध में तो राजा को कोई पाप नहीं लगता है, मैं मानता हूँ। राजा प्रजा के पालन के लिए युद्ध किया विपक्ष से और युद्ध में अनेक लोग मारे गए तो ऐसे राजा को पाप नहीं लगता है। लेकिन किस राजा को? प्रजा भर तू, जो प्रजा का भरण करने वाला राजा है। लेकिन मैं राजा नहीं था, राजा दुर्योधन था और वो प्रजा का ठीक से पालन कर रहा था, लेकिन मैं राज्य का लोलू, राज लेने के लिए मैं युद्ध किया, इसलिए मुझे ये पाप लगेगा ही। युद्ध के अनौचित्य को बार बार कह रहे थे और भगवान कृष्ण तथा ऋषि लोग कह रहे थे नहीं, ये उचित युद्ध हुआ है, आपको कोई पाप नहीं लगा, इसमें कोई पाप ही नहीं हुआ है। और ये कह रहे थे पाप हुआ है। प्रजा भर्तु शब्द कह करके कह रहे हैं कि प्रजा का भरण करने वाला राजा यदि धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारता है, न्याय युद्ध में, तब राजा को पाप नहीं लगता है। लेकिन मैं राजा नहीं था, बल्कि मैं राज्य का लोलुप बन करके युद्ध किया हूँ। आखिर दुर्योधन ठीक से शासन कर ही रहा था, क्या जरूरत है युद्ध की? तो फिर भी वे लोग तो युद्ध किए, आज सामने आए, इसीलिए मारे गए। तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं और सब बात मैं मान लेता हूँ, पुरुषों की जो हत्या हुई है सैनिकों की, उसको मैं थोड़े देर के लिए स्वीकार कर सकता हूँ कि ये ठीक हुआ है, हो सकता है, ऐसा माना जाएगा। लेकिन स्त्रीणा मदहत बंधु नाम द्रोह योषा विहोत्थित, यदि और जो स्त्रियों के प्रति हमने दुख दिया है इस युद्ध में, बिल्कुल नवजोती स्त्रियां विधवा हो गईं नए उम्र में, उनके पति सैनिक मारे गए, उनके भाई मारे गए, उनके पुत्र मारे गए। एक स्त्री के लिए पति और पुत्र ये दो बड़े ही सहायक। जिस स्त्री का पति न रहे और पुत्र भी युद्ध में मारा जाए, कितनी दुखद स्थिति है उस स्त्री के लिए। महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं इस युद्ध में अनेक स्त्रियां विधवा हुई, उनके पुत्र मारे गए, पति तो मारे ही गए, भाई तक मारे गए। कभी कभी किसी संकट काल में भाई सहारा होता है स्त्री के लिए, वह स्नेह करता है भाई। ये भाई भी मारे गए, पति भी मारे गए, पुत्र भी मारे गए। तो मैंने जो स्त्रियों को दुख दिया है इस पाप से मैं यज्ञ करके उऋण नहीं हो पाऊंगा, यज्ञ से मेरी शुद्धि नहीं हो सकती है। वे शास्त्र कहता है कि यज्ञ करने से शुद्धि हो जाती है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कभी कभी अज्ञान में व्यक्ति बोलता है, महाराज युधिष्ठिर अज्ञान में बोल रहे हैं, करुणा से भरे हुए हैं इसलिए बोल रहे हैं। उन्होंने जो युद्ध किया है वो बिल्कुल उचित था, नहीं तो भगवान उस युद्ध में भगवान भाग लिए थे और युद्ध करने के लिए अर्जुन को कहे, वो अन्याय कैसे हो सकता है, पाप कैसे हो सकता है? लेकिन हेतुवाद का आश्रय लेकर महाराज युधिष्ठिर इस वैदिक उक्ति को काट रहे हैं। संस्कृत में एक हेतु शब्द है, हेतु का अर्थ होता है तर्क, तर्क कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे यथा पंकेन पंकाम्भः, जिस जल में मिट्टी मिला हुआ है, गंदा है, ऐसे जल से फिर दूसरे गंदे जल को धोया जाए तो शुद्ध नहीं हो सकता है। गंदे जल से दूसरा गंदा जल यदि धोया जाए तो शुद्ध नहीं होगा,
सुरया वा सुरा कृतम, और शराब से सुरा से जो अशुद्धि हुई है उसी अशुद्धि को कोई चाहे कि सुरा द्वारा ही शराब द्वारा ही ठीक करे, नहीं हो सकता है। इसी तरह से एक हत्या को भी लाखों यज्ञों के द्वारा साफ नहीं किया जा सकता, उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता है। अश्वमेध यज्ञ में भी तो हत्या होती है, महाराज युधिष्ठिर तर्क दे रहे हैं। एक हत्या तथा एकाम भूत हत्या में भी एक हत्या का भी प्रायश्चित नहीं किया जा सकता है, ये तर्क है। तर्क है कि कोई प्रतिष्ठा नहीं है, तर्को अप्रतिष्ठा महाभारत में कहा गया। तर्क द्वारा कोई व्यक्ति किसी जायज व्यक्ति को भी हरा सकता है गलत तर्क देकर के। जैसे एक तर्क है कि जब गाय का गोबर पवित्र है तो ब्राह्मण का गोबर क्यों नहीं पवित्र होगा, ये तर्क है। यदि कोई व्यक्ति सिद्ध करना चाहे कि मनुष्य तो उत्कृष्ट जानवर है, उत्कृष्ट प्राणी है, तो उसका मल क्यों नहीं पवित्र होगा, तो क्या करेगा, तो अशुद्ध घर को लिपने के लिए मनुष्य के मल का प्रयोग करेगा, तो घर कितना अशुद्ध हो जाएगा। इसको तर्क कहते हैं। और कोई सोचे कि शंख भी हड्डी है, किसी जीव की हड्डी है शंख, तो जब साधारण जीव की जलचर जीव की हड्डी को लेकर के भगवान के आरती में बजाया जा सकता है, तो मनुष्य की खोपड़ी लेकर क्यों नहीं बजाया जा सकता, वो तो और पवित्र है। और उसमें भी पढ़े लिखे ब्राह्मण का, संस्कृत जानने वाले वेद जानने वाले ब्राह्मण की खोपड़ी ला करके लोग, तो वो पागल माना जाएगा ना। शास्त्र कहता है कि गाय का गोबर पवित्र है, शास्त्र कहता है कि शंख पवित्र है, तो शास्त्र जो कहता है उसको मानना चाहिए, अपना तर्क नहीं अड़ाना चाहिए। तुम्हारा युधिष्ठिर यहाँ तर्क दे रहे हैं, यज्ञों के द्वारा एक भी हत्या का प्रायश्चित नहीं हो सकता है, तो अब क्या किया जाए। भगवान हार गए, वेदव्यास भगवान हार गए, सारे ऋषि हार गए समझाते समझाते। जिसको राज्य करना है, प्रजा का पालन करना है, सबको संभाल कर रखना है, वही हाय हाय कर रहा है, रो रहा है, आत्महत्या के लिए उद्यत है, तो बहुत भारी विषम स्थिति आ गई। भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर राजा बने, उनके राजा बनते ही सब ठीक हो जाएगा। उनके राज्य में एक भी दुराचारी नहीं था। जिन स्त्रियों के पति मारे गए थे, भाई मारे गए थे, पुत्र मारे गए थे, उनका ऐसा सुंदर युधिष्ठिर महाराज ने पालन किया जिसकी तुलना राम राज से की जाती है। एक भी दुराचारी नहीं था, एक भी शराबी नहीं था, एक भी चोर नहीं था, व्यभिचारी नहीं था युधिष्ठिर के राज्य में। इतना सुंदर राज किया उन्होंने। लेकिन राज लेने के पहले इतना ये शोक कर रहे हैं, रो रहे हैं। तब होते होते भगवान कृष्ण ने पूछा, तो भैया कैसे आपका शोक जाएगा, आपका यह अविवेक कैसे जाएगा। हमारा युधिष्ठिर तो उसको अविवेक समझते ही नहीं थे। तो भगवान ने कह दिया युधिष्ठिर महाराज से, सुनिए, यदि आपका अविवेक हम लोगों से नहीं जा सकता है, हम तो ज्ञानी नहीं हैं, हम तो आपके छोटे भाई हैं, आपके ममेरे भाई हैं, युधिष्ठिर महाराज के मामा के लड़का भगवान कृष्ण, और युधिष्ठिर से छोटे हैं, तो कभी कभी तो युधिष्ठिर ये भी कहते, अरे जाओ जाओ, तुम क्या जानते हो, हमको नरक में गिरना ही है, हमने बहुत बड़ा पाप किया है, किया है, किया है, हम जीना नहीं चाहते। तो भगवान वेदव्यास देव की तो बात कुछ सुनते थे, लेकिन उनको भी काट देते थे। भगवान को तो कहे, तुम तो कुछ जानते ही नहीं हो, तुम जाओ अपना काम करो, हमारे भाग्य में जो लिखा है, कर्म में लिखा है, हमको भोगना।
भगवान ने कह दिया एक बात। अच्छा एक बात सुनिए महाराज, हम ऐसा सोचते हैं कि आप पितामह भीष्म से पूछ लीजिए कि क्या उचित है। सबके बाद वे सबसे बड़े धर्मात्मा है ना, धर्म का तत्व जानते, उनके बारे में तो आपको विश्वास है ना। महाराज युधिष्ठिर ने कह दिया हाँ वो जो कहेंगे करूँगा। युधिष्ठिर महाराज कुछ भी है तो भगवान कृष्ण के प्रति स्नेह से भरे रहते थे, इसलिए उनके ऐश्वर्य का उनको भान नहीं होता था कभी कभी। तो जब ये बात भगवान ने कहा कि पितामह भीष्म तो इस संसार में सबसे बड़े ज्ञानी हैं, धर्म धुरंधर हैं, अगर वो जो कहेंगे वो आप मान सकते हैं ना, तब महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ उनकी बात मान सकता हूँ। लेकिन भगवान कृष्ण चाहते थे पहले से ही कि युधिष्ठिर भीष्म पितामह को अपना गुरु बनावे, ये उनकी इच्छा थी भगवान की, और ये भी चाहते थे कि युधिष्ठिर को राज धर्म की वे शिक्षा दे, सब प्रकार के धर्मों की वे शिक्षा दे। ये बात तय हो गई, ठीक है युधिष्ठिर महाराज मान लिए। तो कहाँ चला जाए, तो भीष्म पितामह तो कुरुक्षेत्र में बाण सज्जा पर पड़े हुए थे, तो यह निश्चित हुआ कि युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह के पास ज्ञान लेने के लिए जाएंगे। वो राजा थे, समाचार फैल चुका, तो महाराज युधिष्ठिर तैयार हो गए और उनके साथ भगवान कृष्ण, उनके भाई, उनके गुरु सभी लोग कुरुक्षेत्र में आए। तो यहाँ से एक कथा है, इति भीतः प्रजा द्रोह सर्वधर्म विविधया। जब निश्चित हो गया कि महाराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह से प्रश्न करेंगे, ज्ञान लेंगे, सभी धर्मों को जानने की इच्छा से युधिष्ठिर महाराज विनसनम प्रागा, कुरुक्षेत्र को विनसनम कहा गया है। विनसनम का अर्थ होता है विनाश भूमि, कुरुक्षेत्र विनाश भूमि है। किसके लिए? अधर्म का विनाश करने के लिए। वास्तव में धर्म क्षेत्र है, लेकिन यहाँ जो विनसनम शब्द का प्रयोग किया गया है वह इस सेंस में कि यह पाप का, अधर्म का, अन्याय का ये विनाश करता है क्षेत्र। तो वहाँ गए जो अविद्या का विनाश करता है। कुरुक्षेत्र में भी कहाँ गए? जत्र देवव्रत अपतत, जहाँ पर देवव्रत गिरे हुए थे, बाण सज्जा पर पड़े हुए थे, युद्ध बंद हो गया था, भीष्म पितामह इसी युद्ध भूमि में अभी पड़े थे। भगवान कृष्ण चले गए युधिष्ठिर महाराज के साथ गंधारी को सांत्वना देने के लिए और धृतराष्ट्र महाराज को जो हस्तिनापुर में रहते थे, पर उनको सांत्वना स्वयं युधिष्ठिर महाराज ने दिया। उस समय वो ठीक थे, सांत्वना देने के बाद रोने लगे थे, अब इनको सांत्वना देना पड़ा, पर नहीं लिए। तो भीष्म पितामह के पास आए, भीष्म पितामह सब मिलाकर 58 दिन बाण सज्जा पर थे, 58 days, इतने दीर्घ काल तक। तो जब युधिष्ठिर महाराज कुरुक्षेत्र चले, तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्वैः स्वर्ण भूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यास धौम्यादयस्तथा। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज के सभी भाई भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सब चले, और इसके साथ व्यासदेव और धौम्य ऋषि आदि भी चले, सब लोग चले। ये लोग जानते थे कि जब राजा युधिष्ठिर प्रश्न करेंगे भीष्म पितामह से तो बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा। भीष्म पितामह द्वादश महाभागवतों में से एक महाभागवत हैं, परम भक्त हैं, परम ज्ञानी हैं। तो इनका प्रवचन सुनने के लिए भगवान वेदव्यास देव आए, धौम्य ऋषि आए और भी लोग आए। मुख्य रूप से सुत गोस्वामी संबोधित कर रहे हैं विप्रा,
हे सौनकादि ब्राह्मणों, महाराज युधिष्ठिर के सभी भाई चले, कैसे चले? सदस्वै रथै, सब रथ पर चढ़ करके चले। राजा थे ही सब लोग, तो रथ पर चढ़े, जिन रथों में बहुत ही सुंदर सुशील घोड़े जुटे हुए थे, सदस्वै रथै। सत अश्वय, जिन रथों में बहुत सुंदर सुशील घोड़े जुटे थे, उन रथों पर चढ़ करके वे चले। और व्यास, धौम्या, दयस तथा और बड़े बड़े ज्ञानी ब्राह्मण भी चले भीष्म पितामह का प्रवचन सुनने के लिए, जिनमें व्यास और धौम्य मुख्य हैं। इसके बाद सुत गोस्वामी कहते हैं, भगवान अपि विप्रर से रथेन स धनंजय स तैर्व्य रोचत नृप कुबेर इव गुह्य कही। युधिष्ठिर महाराज और उनके भाइयों के साथ साथ भगवान अपि, श्री भगवान कृष्ण भी चले, कुरुक्षेत्र चले, हस्तिनापुर से रथेन स धनंजय, धनंजय के साथ रथ पर चढ़कर चले। भीष्म पितामह को ये सारथी स्वरूप बहुत अच्छा लगता था, इसलिए भगवान स्वयं ही रथ हाँकते हुए चले, सारथी के रूप में ही रथ चला करके चले हस्तिनापुर से, रथ हाँक करके आ रहे थे। तो कुछ भक्त ऐसा कहते हैं कि नहीं, अर्जुन के साथ वे बैठे थे, कोई दूसरा रथ चला रहा था। नहीं, श्री कृष्ण ही रथ चला रहे थे और धनंजय रथी के रूप में मूल आसन पर बैठे थे। इसी रूप में भीष्म पितामह को दर्शन भी देना चाहते थे। तो भगवान अपि, भगवान भी चले युधिष्ठिर महाराज के साथ। हे विप्रर से, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ सौनक जी, ये संबोधन है। बीच बीच में सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को संबोधित करते हैं, कभी बहुवचन में और कभी केवल सौनक जी के लिए। तो ऊपर विप्राह कहे हे ब्राह्मणों, और इसमें संबोधन कर रहे हैं हे विप्रर से, हे विप्र ऋषि श्री सौनक जी, भगवान भी चले। तो इन सब के साथ, अपने भाइयों के साथ घिरे हुए महाराज युधिष्ठिर ऐसे सुंदर लग रहे थे जैसे कुबेर जी जक्षों के द्वारा घिरे हुए अच्छे लगते। इसमें महाराज युधिष्ठिर के ऐश्वर्य और सुंदरता का वर्णन है। कुबेर जी अलकापुरी में रहते हैं, धन के स्वामी हैं, वे चलते हैं जक्षों से जैसे घिरे हुए, वैसे अपने भाइयों से घिरे हुए युधिष्ठिर महाराज बहुत सुंदर लग रहे थे। व्यरोचत विशेषण अरोचत, विशेष सुंदर लग रहे थे। तो जब कुरुक्षेत्र में वे सब आए, सुत गोस्वामी गए कह रहे हैं क्योंकि वो नैमिषारण्य में बोल रहे हैं, नैमिषारण्य से कथा कह रहे हैं, हम तो यही कथा कह रहे हैं इसीलिए हम आए कहेंगे। तो जब ये सब लोग कुरुक्षेत्र में आए, तो वहाँ गए जहाँ भीष्म पितामह गिरे हुए थे, तो दृष्टवा निपतितम भूमौ, जमीन पर, भूमि पर, बाण सज्जा पर गिरे हुए भीष्म पितामह को देख देख कर ऐसा लगा, भीष्म पितामह कैसे लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे जैसे मालूम पड़ता था कि स्वर्ग से कोई देवता गिरा है। स्वर्ग च्युतम इव अमरम, कोई अमर स्वर्ग च्युत हो गया हो, ऐसे लग रहे थे। भीष्म पितामह 400 वर्ष के थे उस समय, और इनका शरीर देवता के समान था, लंबा गोरा और बहुत ही सुंदर। कभी कभी देवता गिरते हैं इस पृथ्वी पर, सशरीर ही गिरते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि कोई देवता गिरा हुआ है, मनुष्य गिरा हुआ, ऐसा नहीं कह रहे हैं सुत गोस्वामी।
दिवस च्युतम अमरम इव, देव हमने स्वर्ग, स्वर्ग से गिरे हुए किसी देवता की तरह लग रहे थे। तो उनको देख करके पांडवा प्रणेमु पांडवा भीष्म को प्रणाम किए, पांडव सभी आकर के प्रणाम किए। ध्यान रखना चाहिए कि भीष्म पितामह को सभी प्रणाम किए तो चरण के ओर से किए। तो सभी सब सर्वे यहाँ कहा गया प्रणेमु पांडवा भीष्मम, पांडव भीष्म को प्रणाम किए, यानी सर्वे नहीं, ब्राह्मण आदि नहीं किए होंगे, पांडव प्रणाम किए। सानुगा अपने अनुगामियों के साथ सह चक्रेणा और सुदर्शन चक्र लिए हुए भगवान श्री कृष्ण भी प्रणाम किए भीष्म पितामह, चूँकि भगवान कृष्ण इस परिवार के संबंधी थे। पांडु महाराज फूफा थे भगवान के और कुंती बुआ, इस नाते से भीष्म पितामह तो और नाता में बहुत बड़े थे और आयु में भी बड़े थे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समकक्ष थे तो भगवान भी प्रणाम किए। देखिए भगवान की मधुर लीला, भीष्म पितामह को चक्री भी प्रणाम किए। चक्री का अर्थ है चक्र, जिनका है वह चक्री, चक्रीणा। श्री कृष्ण को कभी कभी चक्री कहते भी है, चक्र जिसके हाथ में हो वो है चक्री। तो युधिष्ठिर प्रणाम किए, भीमसेन प्रणाम किए, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनके अनुगत और लोग भी, और उसके साथ साथ श्री कृष्ण भी प्रणाम किए। तत्र ब्रह्मर्षय सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन द्रष्टुम भरत पुंगवम। उस समय कुरुक्षेत्र में सर्वे ब्रह्मर्षय, समस्त ब्रह्म ऋषिगण, देवर्षयश्च और समस्त देवर्षिगण और समस्त राजर्षिगण, भरत पुंगवम भरत श्रेष्ठ भीष्म पितामह का दर्शन करने के लिए आए थे। आसन, आसन का अर्थ है कि भगवान के जाने के पहले सब आ गए थे, युधिष्ठिर महाराज के पहुंचने के पहले ही सब आ चुके थे ऋषि मुनि। तुरंत समाचार फैल जाता था कि युधिष्ठिर महाराज की तैयारी हो गई अब कुरुक्षेत्र जाने की, तो भगवान भी जाएंगे तो सभी ऋषि मुनि आ गए। आजकल तो आदमी कहीं मोबाइल फोन कर देता है, उन लोगों के पास तो लाखों गुना बेटर साधन था, वो तो जान जाते थे किसी के मन की भी बात, युधिष्ठिर महाराज के मन में क्या हो रहा है ऋषियों को पता चल जाता था। तो जब सुने कि युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह से कुछ आध्यात्मिक या व्यवहारिक धर्म की शिक्षा लेने जा रहे हैं तो सारे देवर्षि, सारे राजर्षि और ब्रह्मर्षि तत्र आसन वहाँ आ गए। ये सुत गोस्वामी जो बोल रहे हैं उन शब्दों पर ध्यान, सर्वे राज इस सबके साथ लगेगा, सर्वे ब्रह्मर्षय, सर्वे देवर्षय, सर्वे राजर्षयश्च तत्र आसन वहाँ जुटे थे। इस भीष्म पितामह के मुख से प्रवचन सुनने के लिए जुटे हुए, दृष्ट उनका दर्शन करने के लिए। किस तरह से कोई व्यक्ति भगवान के धाम जाएगा, किस चेतना में और क्या बात बोल करके, इसको देखना चाहते थे। उनको विश्वास था कि जब उनके देह त्याग के समय भगवान साथ में रहेंगे तो भीष्म पितामह सीधे भगवान के धाम जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, इसको वो देखना चाहते थे। तो सारे ऋषि मुनि आदि राजर्षि गण भी सब आ गए। कौन कौन आए थे उनका नाम, कुछ का नाम बता रहे हैं सुत गोस्वामी। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदस्वो भरद्वाजो सशिष्यो रेणुका सुत वशिष्ठ इंद्र प्रमद स्त्रितो गृत समदोषित कक्षिवान गौतम त्रिश्च कौशिकोत्थ सुदर्शन अन्ये च मुनय सुत परावर ब्रह्मराता दयो मलहा शिष्य रूपेता आजगमु कश्यपांगिरसादयः।
कौन कौन ऋषि मुनि सब जुटे हुए हैं उनमें कुछ प्रधान के नाम गिना रहे हैं। पर्वतः पर्वत मुनि, ये पर्वत मुनि गंधर्वों में जन्म लिए हैं, जैसे श्री नारद जी गंधर्वों के साथ रहते हैं तो श्री नारद जी के साथ ही प्रायः पर्वत मुनि रहते हैं। कई अवसर पर ऐसे महाभारत में और पुराणों में लिखा हुआ है कि श्री नारद जी पर्वत मुनि के साथ आए, राजसूय सभा में भी पर्वत मुनि थे। तो पर्वत नारद और श्री नारद जी के बारे में तो सब जानते ही हैं। श्री नारद जी सबसे बड़े प्रचारक वैष्णव शिरोमणि हैं। श्री प्रहलाद महाराज, श्री ध्रुव महाराज, युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज सब इनके शिष्य हैं श्री नारद जी के, और ये भगवान ब्रह्मा जी से डायरेक्ट जन्म लिए हैं, उनके गोद से, उनके शरीर से, जैसे कर से क्रतु का जन्म हुआ है, सही उत्संग से, उत्संगा नारदो यज्ञ, उनके गोद से श्री नारद जी से प्रकट हुए। तो अपनी परंपरा को श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी में ही दिया। ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में ब्रह्मा जी के बाद श्री नारद जी आते, और श्री नारद जी ने वेदव्यास देव को ज्ञान दिया, वेदव्यास देव ने मध्वाचार्य को दिया, और मध्वाचार्य के बाद ये परंपरा जिसमें श्री माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद, ये सब परंपराएं हैं। तो श्री नारद जी ही वास्तविक वैष्णव आचार्य हैं जिन्होंने सारे विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार किया, सारे ब्रह्मांडों में श्री नारद जी। तो ये श्री नारद जी आए और धौम में, ये धौम में पांडवों के खास पुरोहित हैं, और महाराज युधिष्ठिर का साथ इन्होंने वनवास में भी दिया था। वन में जब गए थे युधिष्ठिर महाराज, उस समय भी गुरु साथ साथ रहते थे, कई अवसर पर इनका बहुत बड़ा उबार किए धौम में। और भगवान बादरायण, भगवान वेदव्यास देव बादरायण, इनके बारे में सब वैष्णवों को पता है कि भगवान वेदव्यास देव पराशर मुनि के पुत्र हैं, और सत्यवती से इनका जन्म हुआ। जितना भी इतिहास पुराण है इसकी रचना भगवान वेदव्यास देव किए हैं, भगवान के वांग्मय अवतार माने जाते हैं। पांडवों के परिवार से इनका बहुत घनिष्ठ संबंध है, यहाँ तक कि अपनी भाभियों से इन्होंने पुत्र उत्पन्न किया माँ की आज्ञा से, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये सब इनके ही पुत्र हैं बिल्कुल धर्म के अनुसार। भगवान वेदव्यास देव महाराज युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह का प्रवचन सुनने के लिए आए। बृहदश्व भी एक महान ऋषि थे, भरद्वाज और भरद्वाज, इनका आश्रम आज भी है प्रयागराज में, इलाहाबाद में। कई अवसरों पर महाराज युधिष्ठिर के साथ रहे हैं और बहुत काल से हैं। भगवान श्री राम की लीला में भी एक थे, जब भगवान श्री राम प्रयागराज पहुँचे थे अयोध्या से चलकर चित्रकूट जाने के लिए, तो वहाँ पर भगवान का इन्होंने स्वागत किया था भरद्वाज। और इनके वीरज स्खलन से ही द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। सशिष्यो रेणुकासुत, शिष्यों के साथ भगवान परशुराम भी गए। देखिए परशुराम जी के साथ भीष्म पितामह का युद्ध हुआ था, लेकिन आज जब भीष्म पितामह के मुख से सुनना है
तो भगवान परशुराम वो सब चीज भुला करके ज्ञान लेने के लिए गए. तो साक्षात भगवान है लेकिन दुनिया को शिक्षा देने के लिए ये लीला कर रहे हैं. तो भगवान परशुराम भी गए और जितने भी एक वचन में ऋषि आए हैं सबके लिए सशिष्य शिष्य सहित ये यहाँ लगाना पड़ेगा. जो भी ऋषि आए वे अपने शिष्यों के साथ आए. क्यों? क्योंकि यह बहुत आवश्यक है कि एक महान भक्त ज्ञानी के मुख से भगवान की बातें सुनी जाए. भगवान के बारे में अनुभव बताएंगे भीष्म पितामह, इसको सुनने के लिए सब ऋषि मुनि आए और अपने शिष्यों के साथ आए. ये नहीं कह दे शिष्य को तुम यहीं रहो देखो और हम जरा सुनाते हैं कथा, नहीं सब चले. गुरु का कर्तव्य है कि शिष्यों को लेकर के जाए ऐसे अवसर पर. शिष्यों का सबसे बड़ा हित यही है कि उनको भगवान की कथा सुनने का अवसर दिया जाए. तो जितने भी ऋषि मुनि आए सब अपने अपने शिष्यों को लेकर के गए. दो बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है. तो रेणुका सुत रेणुका के पुत्र जमदग्नि से भगवान परशुराम का जन्म हुआ था. रेणुका से एक बार हस्तिनापुर में युद्ध भी हुआ था दोनों से, एक तो भगवान के अवतार और एक भगवान के परम भक्त भीष्म पितामह. ऐसा हुआ कि श्री परशुराम जी ने अम्बा के वचन से प्रभावित होकर के कह दिया भीष्म को कि तुम इसे शादी करो, तुमसे विवाह करो, क्योंकि इसका हाथ पकड़े थे तुम काशी में. तो उन्होंने नकार दिया. भीष्म पिता ने कहा नहीं मैं विवाह नहीं कर सकता, मैं तो व्रत लिया हूँ, प्रतिज्ञा किया हूँ. तो भगवान परशुराम कहते हैं प्रतिज्ञा करने से क्या होगा, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुमको धनुर्वेद की शिक्षा दिया हूँ, तुम मेरी बात मानो और विवाह करो. भीष्म पितामह ने नकार दिया नहीं. तो भगवान परशुराम कहे तब युद्ध करना पड़ेगा. दोनों में घमासान युद्ध हुआ और निर्विशेष कोई हार जीत नहीं रहा था. अंत में श्री नारद जी ने आकर के युद्ध रोक दिया, क्या है आप लोग फालतू लड़ रहे हैं छोड़िए. तो उनकी बात मान करके भगवान परशुराम जी और भीष्म पितामह लड़ना बंद कर दिया. लेकिन आज जब जीवन के अंतिम समय में अपने अनुभव पुंज को खोल करके रखना है, भगवान परशुराम जानते हैं कि कृष्ण के परम भक्त हैं, कृष्ण के बारे में बोलेंगे तो पहले का कोई भी बैर विरोध भाव या दुर्व्यवहार भूल करके आए उनकी कथा सुनने के लिए. भगवान के अवतार परशुराम जी और एक मनुष्य के मुख से कथा सुनने के लिए आए हुए भगवान की बात है, इतना महत्व है इसका. और इनके लिए स्पेशल सुद गोस्वामी कहते हैं सशिष्यो रेणुका सुता. ऐसे सबके साथ सशिष्य लगेगा लेकिन इनके लिए तो इमीडिएट रेणुका पुत्र परशुराम शिष्यों के साथ. वशिष्ठ वशिष्ठ मुनि ये बहुत दीर्घजीवी हैं. भगवान श्री राम की लीला में भी रहे हैं और भगवान कृष्ण की लीला में भी. महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में ये रहे थे, राजसूय यज्ञ में. और अर्जुन का जब जन्मोत्सव मनाया जा रहा था वन में तो वशिष्ठ मुनि थे वहाँ. भगवान परशुराम से भी पहले रघुवंश के पुरोहित हैं, सूर्य वंश के बहुत काल से. ये भी आए भीष्म पितामह का संग करने के लिए. इंद्र प्रमद ये भी एक श्रेष्ठ ऋषि है. त्रित ये गौतम ऋषि के पुत्र हैं. गौतम मुनि के तीन पुत्र हुए, तो एक का नाम था एकत, दूसरे का द्वित और एक का त्रित. ये तीन पुत्र हुए तो उसमें त्रित ये बहुत महान ऋषि हुए थे, ये भी आए. कौ और गृत समद असित, इनका नाम भगवत गीता में आया हुआ है ऋषि का, असितो देवलो व्यास. ते असित भी आए. कक्षीवान गौतम मुनि अहिल्या के पति, ये भी बहुत प्रसिद्ध हैं.
अत्रिश्च और अत्रि जो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और जिनकी पत्नी अनुसुईया माता जी हैं, भगवान इनके पुत्र बने, ऐसे महान अत्रि मुनि भी आए। कौशिक, कौशिक नाम के राजा आए या ब्रह्मर्षि, सुदर्शन, सुदर्शन नाम के ऋषि मुनि, अन्य च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मराता दयमला, हे ब्रह्मन्, हे सौनक जी, अन्य भी बहुत से आए अन्य मुनि, ब्रह्मराता दय, सुखदेव आदि। सुखदेव गोस्वामी भी भीष्म पितामह के मुख से प्रवचन सुनने के लिए गए। बाद में ये महाराज परीक्षित को भागवत सुनाएंगे। ब्रह्मरात, सुखदेव गोस्वामी को ब्रह्मरात कहते हैं। भगवान ने इनकी रक्षा किया था, जब गर्भ से प्रकट नहीं हो रहे थे तो भगवान ने कहा कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, आप माया के प्रभाव में नहीं आ पाएंगे, आप बाहर आइए माँ के गर्भ से। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी का नाम पड़ा ब्रह्मरात। ब्रह्म मतलब भगवान श्री कृष्ण और रात माने दान देना, दिया गया पिताजी को या रक्षा किए। तो सुखदेव गोस्वामी भी आए। शिष्य रूपेता आज मुँह कश्य पांगी रसादय, सभी ऋषि मुनि जैसे कश्यप जी और बृहस्पति जी, कश्यप जी तो देवताओं के, दैत्यों के, सबके पिता ही हैं। कश्यप जी का विवाह दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियों से हुआ था, जिसमें माता दीति, अदिति और कई हैं, सुरसा, इला, काष्ठा, दनु, अनेक स्त्रियां। तो कश्यप जी आए स्वर्ग से प्रवचन सुनने के लिए भीष्म पितामह का, और बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं, इंद्र आदि देवताओं के वही गुरु हैं स्वर्ग से, वे वहाँ से आए भीष्म पितामह का प्रवचन सुनने के लिए इस धरती पर, इस कुरुक्षेत्र में। इससे समझा जा सकता है कि भगवान के बारे में जो कथाएं होती हैं उनका कितना महत्व है। ये सभी उच्च कोटि के परम वैष्णव हैं, भागवत पुरुष हैं, अपना घर, अपना काम धंधा और छोड़ छाड़ करके और कथा सुनने के लिए आए हुए स्वर्ग से। इसमें से प्रायः जितने लोग हैं प्रायः सब स्वर्ग से, कोई कोई इस पृथ्वी से है। ये सब आए, इनके लिए शुद्ध गोस्वामी अमलाह शब्द का प्रयोग कर, अमलाह निर्मल शुद्ध चरित्र, भगवान के परम भक्त ये ऋषि लोग सब आए। तो जब ये जुटे तो भीष्म पितामह ने इनका कैसे स्वागत किया इसका वर्णन कर रहे हैं। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तम पूजया मास धर्मज्ञो देश काल विभागवित। भीष्म पितामह इस बात को पूरा पूरा जानते थे कि किस देश में, स्थान में और किस समय, किस परिस्थिति में किसका कैसे स्वागत किया जाता है, ये धर्मज्ञ है। तो अपने पास आए हुए सभी ऋषि मुनियों का उन्होंने स्वागत किया। प्रश्न हो सकता है ना, अरे क्या स्वागत करेंगे, बाण सज्जा पर पड़े हैं, न चल सकते हैं, न खड़ा हो सकते हैं, फिर स्वागत क्या करेंगे इन हजारों हजार ऋषियों का। तो शुद्ध गोस्वामी कहते हैं देश काल विभागवित, वे धर्मज्ञ थे, किस देश में, किस स्थान, किस काल में किस व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है इसको जानते थे। उस समय ऋषि मुनियों को आँख से देखना और मुख से नमः शब्द कह देना इतना ही काफी था, देश काल के अनुसार यही स्वागत। मान लीजिए गुरु वशिष्ठ जी आए हैं तो उनको श्री वशिष्ठाय नमः ऐसे कहना भीष्म पितामह का यही स्वागत। और वो समय नहीं था कि उठ करके और प्लेट में लावें कुछ खाने के लिए और पानी लावें या उनको आसन दे बैठावें, नहीं, इसको कहते देश काल विभाग। उस देश में, उस युद्ध भूमि में और उस स्थिति में, उस काल में वो नहीं कर सकते थे।
वो स्वयं ही उनके शरीर में बाण धसे हुए थे, उठने की शक्ति नहीं थी, दर्द से व्याकुल थे, कैसे वे सबको उठ उठ करके स्वागत करते। परंतु जब समय उचित नहीं है और स्थान भी नहीं है, अपना घर नहीं है कि वहाँ फ्रिज खोल करके कुछ निकाले दे दिए, युद्ध का मैदान है, वहाँ कुछ है नहीं एक पैसा भी, और न तो उठने की शक्ति है, फिर भी स्वागत किया जा सकता है देश काल के अनुसार। आने वाले ऋषियों को, राजर्षियों को वे आँख से देखते थे और वचन बोलते थे प्रणाम, कुछ आप कैसे हैं, बैठिए, बहुत अच्छा हुआ आप आए, आपका दर्शन हुआ, इतना ही कहने से ऋषि संतुष्ट हो जाते। वो ये अपेक्षा नहीं कर सकते थे कि और स्वागत करें, ये राजा हैं, राजकुल के पूर्वज हैं। पहले जिन ऋषियों का उन्होंने स्वागत किया था साष्टांग प्रणाम करके, उनको अनेक प्रकार से खिला करके, आसन देकर, आज ऐसा देश है और ऐसा समय है कि केवल उनको देखकर नमस्कार कर लेना, वाणी द्वारा सिर से भी नमस्कार नहीं कर सकते थे, केवल बोल सकते थे नमस्ते नमस्ते, केवल इतना ही बोल सकते थे। तो इस तरह से भीष्म पितामह सबका स्वागत किए, पूजया मास, सबका पूजन किए, यही पूजन था, उनको देख करके हंस देना, पूछना, यही उनका स्वागत पूजा थी। तो सभी ऋषियों का उन्होंने स्वागत किया, भक्तों का, और अब भगवान का हृदयस्थम कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम हृदयस्थम पूजयामास मायोपात विग्रहम। समस्त ऋषियों का उन्होंने स्वागत किया देश काल के अनुसार, एक श्लोक में कह रहे हैं। अब भगवान कृष्ण का उन्होंने कैसे स्वागत किया, इसको एक श्लोक में कह रहे हैं। कृष्णम च पूजयामास, ये लगा लेना चाहिए, भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का स्वागत किया, कृष्ण की पूजा किया। कैसे किया? एक तो भीष्म पितामह का गुण वर्णन कर रहे हैं, तत्प्रभावज्ञ, तत्प्रभावज्ञ, श्री कृष्ण के प्रभाव को भीष्म पितामह जानते थे। श्री कृष्ण तत्व के पूर्ण ज्ञाता हैं भीष्म पितामह। तो यद्यपि श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया, पर भीष्म पितामह जानते हैं कि ये साक्षात स्वयं भगवान परब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है। तो उन्होंने उनका स्वागत किया। भीष्म पितामह जानते थे कि जगदीश्वरम, समस्त जगत के देवताओं के, मनुष्यों के, असुरों के, समस्त चर अचर जीवों के ये ईश्वर हैं, समस्त लोकों के ईश्वर हैं, और कृपा करके मेरे पास अपना श्री विग्रह प्रकट किए हैं, आए हैं। ऐसे हृदयस्थम भीष्म पितामह ये भी जानते थे कि सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं, हृदयस्थम परमात्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में रहते हैं, और भीष्म पितामह के हृदय में पार्थ सारथी के रूप में विद्यमान रहते थे। परमात्मा रूप से ही नहीं, भीष्म पितामह की भक्ति से आकृष्ट होकर के भगवान उनके हृदय में वास करते थे, उसी रूप का वे चिंतन कर रहे थे। तो हृदयस्थम श्री कृष्ण हृदय में भी हैं और बाहर भी हैं। बाहर महाराज युधिष्ठिर के साथ एक छोटी उम्र का व्यक्ति और वहाँ बैठे हुए हैं इनके चरणों में, भीष्म पितामह के पास भगवान, लेकिन भीष्म पितामह हृदय में उनकी पूजा करने लगे, जैसे पहले करते थे भगवान कृष्ण की पूजा, ऐसे हृदय में अनेक प्रकार से उनकी पूजा करने लगे। हृदय में है ही तो मन द्वारा उनकी पूजा करनी है, तो आरती करना या भोग देना, कुछ अर्पण करना, सब कुछ करने लगे। कृष्णम च, कृष्णम च पूजया मास हृदयस्थम, हृदय में पूजा कर रहे, और बाहर से भी वे नमस्कार किए ही, भगवान उनको नमस्कार किए, लेकिन भीष्म पितामह उनको नमस्कार किए। माया उपात विग्रहम, जो माया से अपने
श्री विग्रह को भीष्म पितामह के सामने लाए हैं, यहाँ माया का अर्थ है कृपा, माया दंभे कृपायाम च। एक संस्कृत के शब्दकोश में अर्थ किया गया है कि माया शब्द का प्रयोग दंभ और कृपा में भी होता है। दंभ का अर्थ दिखावा, कपट, इसको भी माया कहते हैं और कृपा को भी माया कहते हैं। तो यहाँ जो माया के द्वारा भगवान लाए अपने शरीर को, ये अर्थ है कृपा, उनके हृदय में जो कृपा है भक्त के प्रति, अपने स्नेही श्री भीष्म पितामह के प्रति, उनके जीवन के अंतिम काल में भगवान अपने को लाए हैं, वहाँ अपना सुंदर श्री विग्रह लाए हैं। माया उपात, उप आत, उपकार से निकट, आत माने लाना और माया माने कृपा, कृपा से दर्शन दिए हैं, आए हैं, बहाना बना करके कि युधिष्ठिर का ज्ञान दूर करना है। युधिष्ठिर का ज्ञान और ज्ञान दूर कभी भी हो जाता है, भगवान कर सकते थे, लेकिन वास्तव में वे भीष्म पितामह पर कृपा करके युधिष्ठिर का बहाना करके आना चाहते थे, तो आए, वे आए हुए हैं और बिल्कुल नम्र भाव से बैठे हुए हैं। बाद में भीष्म पितामह ने ध्यान दिया, श्री कृष्ण को तो देखे, ऋषियों को देखे, स्वागत किए, इसके बाद स्पेशल दृष्टि डाले पांडवों पर जो खास इनके ही परिवार के थे। पांडुपुत्रान उपासीनान, पांडुपुत्रों को उन्होंने देखा उप आसीनान, जो बिल्कुल निकट बैठे थे। भीष्म पितामह के बिल्कुल चरण के पास युधिष्ठिर महाराज बैठे थे, बिल्कुल चरण के पास, और सिर नीचे था। भीमसेन भी सिर नीचे किए थे, अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज बहुत शोक में थे कि अपने बंधु बांधवों की हत्या हुई है इस युद्ध में, तो इसके लिए वो शोक में थे, और अब इसलिए भी शोक में थे कि हमारे पितामह इस दशा में पड़े हुए हैं युद्ध भूमि में, बाण सज्जा पर आज ये दशा है, तो इसलिए उनके मन में बहुत दुख हो रहा था। गुरु का वध करा दिया गया, ये कराया गया, फिर इनको विधराशायी किया गया। तो भीष्म पितामह ने देखा कि ये पांडु के पुत्र, पांडु इनके भतीजा थे भीष्म पितामह के, तो पांडु पुत्रान उपासीनान, पांडु पुत्रों को उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल हमारे निकट बैठे हैं, और प्रश्रय प्रेम संगतान, प्रश्रय का अर्थ विनय, बिल्कुल नम्र हैं और स्नेह है इनके हृदय में मेरे प्रति। तो प्रश्रय से और प्रेम से युक्त पांडु के पुत्रों को उन्होंने देखा, उनको देखते ही भीष्म पितामह के आँखों में आंसू भर आया पूरा, और उस समय कुछ भी देख नहीं पाए। जब आँख में आंसू भर जाता है तो यदि आंसू को पोछा जाए हाथ से तब न देखने की शक्ति आएगी। तो बाण सज्जा पर ऐसे हैं और आंखों में आंसू भर गया है तो हाथ से पोछ भी नहीं सकते। अभ्या चष्टानुराग आश्रय अंधिभूते न चक्षुषा, स्नेह के आंसुओं से आंखें भर आई हैं, ऐसे अंधिभूते न चक्षुषा, तो देख नहीं रहे थे, स्नेह में रोने लगे। पांडवों के दुख को, उनके प्रेम को देख करके वे रोने लगे और इस तरह से सिसक सिसक कर कहने लगे गदगद बाणी से, अभ्य चष्ट। सुध गोस्वामी कहते हैं कि भीष्म पितामह बोल रहे हैं तो आंखों में आंसू भरा हुआ है, उसमें देख नहीं रहे हैं, केवल बोल रहे हैं। अहो कष्टम अहो अन्यायम जज्जूयम धर्मनंदनः जीवितुम नार्हथ क्लिष्टम विप्रधर्म अच्युताश्रयः। सबको संबोधन करके कह रहे हैं, ओहो हे धर्म नंदना, हे धर्म पुत्र, या तो युधिष्ठिर महाराज के लिए बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं आदर से, अथवा सभी सभी को कह रहे हैं, सभी पांडवों को, हे धर्म पुत्र, तुम्हें बहुत कष्ट हुआ,
तुम्हें बहुत दुख हुआ है, युद्ध के पहले भी दुख हुआ, वनवास आदि का कष्ट तुम लोग भोगे, रक्षा भवन की आग और क्या क्या, राज्य गया, धन गया, पत्नी दाव पर रखी गई द्रौपदी, उसका अपमान हुआ, युद्ध के पहले भी और युद्ध के बाद भी तुम लोग दुख में ही रह गए। भीष्म पितामह पूर्ण अभिज्ञ व्यक्ति थे, जानते थे युधिष्ठिर के चेहरे को देख कर कितना दुख में है बेचारा, वो तो जीना नहीं चाहते थे। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि बहुत दुख की बात है, तुम लोगों के जीवन में बहुत दुख हुआ, कष्ट हुआ, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय। अहो कष्टम अहो अन्यायम, तुम लोग कभी भी दुख से जीने लायक नहीं हो, तुम्हारे जीवन में सुख होना चाहिए, लेकिन बहुत दुख हुआ। वास्तव में पांडवों पर इतनी विपत्ति आई कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। भीष्म पितामह सब देखे थे, जानते थे, राजा द्वारा ही इनको दुख दिया जा रहा था, दुर्योधन आदि के द्वारा। विप्र धर्माच्युता शायद तुम लोग ब्राह्मणों के और धर्म के और साक्षात स्वयं भगवान के आश्रय में रहते हो, फिर भी तुम लोगों को इतना कष्ट हुआ, कष्ट से जीने लायक नहीं हो। इस समय वे आश्वासन दे रहे हैं कि युधिष्ठिर अब तो प्रसन्नता से तुमको जीना चाहिए, दुख से नहीं जीना चाहिए, क्योंकि बेटा तुम धर्म के, ब्राह्मणों के और स्वयं श्री कृष्ण के आश्रय में हो। अरे जो व्यक्ति धर्म के नियमों का पालन करे और जिस पर ब्राह्मणों की कृपा हो, गुरुजनों की, और इसके साथ ही साथ जिसे श्री कृष्ण का आश्रय प्राप्त हो, उसके लिए दुख कहाँ है। लेकिन इस तरह से धर्म, ब्राह्मण और भगवान सबके आश्रय में रहते हुए भी तुम लोगों को इतना कष्ट हुआ, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत दुख की बात। लेकिन युधिष्ठिर तुम चिंता मत करो, फिर उनका दुख है और कह रहे हैं, संस्थिते तिरथे पांडव पृथा बाल प्रजा बधु जुस्मत कृते बहुन क्लेशन प्राप्त तोकवती मुहु। आज भीष्म पितामह को याद आने लगा अपने बहू की बात, कुंती महारानी की, अपने पुत्र बधु। जब पांडु का निधन हो गया, तुम्हारे पिताजी का निधन हो गया, तो मैं देखा हूँ किस तरह से मेरी बहू पुत्र बधु कुंती दुख भोगी है। भीष्म पितामह के सामने ही सब हुआ था जो भी। तो इसलिए कहते संस्थिते अतिरथे पांडव, पांडु एक अतिरथी थे, महान योद्धा थे, राज्य उनका कमाया हुआ था, लेकिन उनके मृत्यु के बाद पृथा बाल प्रजा बधु, मेरी बधु पृथा कुंती बहुत दुख भोगी। जिस समय पांडु का निधन हुआ था उस समय पांडु अभी युवक ही थे बिल्कुल, तो कुंती को विधवापना का दुख बिल्कुल अर्ली एज में देखना पड़ा। और उस समय पिताजी, उस समय इसके उसके पति मरे थे पांडु महाराज, जबकि पांचों लड़के बिल्कुल अभी छोटे छोटे थे, बालव प्रजा, कुंती का विशेषण, जिसकी प्रजा, जिसके पुत्र बहुत छोटे छोटे थे। उस दशा में अगर छोटे छोटे पुत्र थे, उसके बाद भी जो अपना खास राज परिवार था वही उन पांचों की हत्या करने पर लगा हुआ था, चाहे भीमसेन को विष दे करके या लक्षा भवन में आग लगा करके या उनका राज छीनकर जैसे तैसे सब नष्ट हो जाए। तो एक तो बेचारी अपने पति का विरह सह रही थी और पांच पांच पुत्र थे, बिल्कुल अबोध थे, कोई रक्षक नहीं था। अगर मान लीजिए किसी का पिता न रहे, ए हरि बोल, वो पीछे के लड़कों को सावधान कीजिए, वो बात कर रहे। तो जिस स्त्री का पति न हो
तो कम से कम अपना परिवार सहारा होता है। लेकिन कुंती के लिए तो वो भी नहीं था, कुंती के खास परिवार के लोग ही बहुत बाधा दे रहे थे, जीवन में बाधा दे रहे थे, राज छीन लेना और क्या क्या करना, भूंज देना, जलाने की कोशिश करना। लक्षा भवन इसीलिए बनाया गया था कि उसमें पांडवों को जला दिया जाए, राख कर दिया जाए। तो इस दशा में कुंती को कितना दुख उठाना पड़ा है। भीष्म पितामह आज बाण सज्जा पर कुरुक्षेत्र में पड़े पड़े उसकी याद कर रहे हैं कि संस्थिते ति रथे पांडव पृथा बाल प्रजा बधु जुस्मत कृते बहुन क्लेशन प्राप्ता तोकवती मुहु। जुस्मत कृते बहुत बहुन क्लेशन प्राप्त, तुम लोगों के लिए उसने बहुत कष्ट उठाया। और यहाँ तक कि जब तुम लोग सयाने हो गए, बड़े हो गए, उस समय भी बेचारी को सुख नहीं मिला। तोकवती का एक अर्थ है, बालक प्रजा और तोकवती एक ही शब्द, एक ही श्लोक में शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो तोकवती, बड़े बड़े पुत्र हो गए फिर भी उसको कोई सुख नहीं हुआ, फिर वनवास का दुख, राजहरण का दुख, इसके बाद अनेक महारथियों के साथ युद्ध, नाना प्रकार का कष्ट, उसमें कई स्वजन मारे गए। लेकिन बेटा सत्य है कि तुम इसमें कारण नहीं हो युधिष्ठिर, जो कुछ भी हुआ युद्ध आदि में या इनको जो कुछ कष्ट हुआ कुंती को और तुम लोगों को, सर्वम काल कृतम मन्ने भवताम च जदप प्रियम सपालो जद बसे लोको बायो रिव घनावला घनावली। युधिष्ठिर जो कुछ भी हुआ तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे भाइयों के या तुम्हारे माँ के जीवन में जो भी कष्ट आया, सर्वम काल कृतम मन्ने मैं काल के द्वारा किया हुआ सब मानता हूँ, समय ने किया है बेटा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम लोग पापी थे, बुरा कर्म किए थे इसलिए तुम लोगों को दुख हुआ, नहीं नहीं, तुम्हारे कर्म से तुम लोगों को दुख नहीं हुआ है, ये काल ने उपस्थित किया दुख। सर्वम काल कृतम मन ने, भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना दे रहे हैं कि पहले की बात कह करके और अब युद्ध के बाद की भी कहेंगे, ये जो युद्ध हुआ ये तुम्हारा किया हुआ नहीं है, काल ने किया है, इसलिए तुम्हारा दोष नहीं है। और पहले बेटा तुम लोगों को जो इतना कष्ट हुआ, जीवन भर कष्ट ही कष्ट रहा, विपत्तियां रही, ये तुम्हारे कर्म का फल नहीं है, ये काल के द्वारा किया हुआ है, इस समय ने किया है, काल बहुत बलवान है। काल के अधीन किस तरह से सारे प्राणी हैं, सारा जगत है, दृष्टांत दे रहे, जैसे वायु के अधीन बादल, बादलों का समूह रहता है घनावली, वैसे सभी प्राणी काल के अधीन हैं। आकाश में बादल रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये बादल की इच्छा पर निर्भर नहीं है, ऐसा नहीं है कि बादल जब चाहे छाया रहेगा या हट जाएगा, वो वायु के अधीन है, हवा का झोंका उसको इधर से उधर तितर बितर कर देता है। वायु रिव घनावली, घन अवली, मेघ समूह जैसे वायु के अधीन है ऐसे ही सभी प्राणी काल के अधीन है। कौन कब जन्म लेगा, किसको क्या मिलेगा, क्या विपत्ति आएगी, क्या सुख मिलेगा, सब काल के अधीन है। काल ही मनुष्य के शरीर को वृद्ध बना देता है, क्षीण बना देता है ना, समय बीतते बीतते ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं। तो जो कुछ भी हुआ है अप्रिय भवताम च जदा प्रियम, तुम लोगों का जो भी अप्रिय हुआ है, विपत्ति आई है, दुख आया है, सब काल ने किया है बेटा, तुम लोग का इसमें कोई दोष नहीं। पांडवों के जीवन में जो विपत्तियां आई तो ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि उनके कर्म का फल है, नहीं नहीं, भीष्म पितामह उसको नकार रहे हैं। सर्वम काल कृतम मन ने अहम मन ने, मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये सब काल के द्वारा किया हुआ है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। काल ही वास्तव में किसी को कहीं किसी परिवार में जन्म देता है और काल ही एक दिन परिवार से विलग कर देता है, काल ही किसी के मृत्यु का कारण बनता है। और खास करके पांडवों के विषय में
जो अप्रिय हुआ है, विपत्तियां हुई हैं, वो उनके कर्म का फल नहीं है। यदि कर्म का फल रहता तो तुम लोगों जैसा उज्ज्वल कर्म किसका है? क्यों क्यों तुम्हारे कर्म से दुख होगा? जत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर्विकोदर कृष्णोस्त्री गांडिवम चापम सुहृत कृष्णस्ततो विपद। अरे देखो, जहां पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर राजा हो तो राजा के गुण से ही प्रजा सुखी रहती है। तुम लोगों का समाज ऐसा है कि जत्र धर्म सुतो राजा, जहाँ धर्मपुत्र युधिष्ठिर राजा हैं और गदा पाणिर वृकोदर और भीम जैसे बलवान व्यक्ति हाथ में गदा लिए हुए हों और कृष्णो अस्त्री और अर्जुन जैसा शस्त्र जानने वाला अस्त्र जानने वाला व्यक्ति हो और शस्त्रों में भी गांडीव नामक धनुष जहाँ पर है। अच्छा, चारों की बात छोड़िए, सुहित कृष्ण स्ततो विपद और जहाँ हित करने वाले अपना सुहित साक्षात भगवान है वहाँ भी विपत्ति हो सकती है। तो सुहित कृष्ण स्ततो विपद पुण्य बल है। ये सब जगह बात है ना कि सब जगह प्रचलित है कि कोई पुण्यात्मा व्यक्ति को सुख ही सुख होता है। तो पांडवों के पास तो पुण्य बल है, पूर्ण पुण्य बल। महाराज युधिष्ठिर पुण्य के धर्म के मूर्तिमान स्वरूप थे। अरे जो एक बार झूठ भी नहीं बोले उसका कितना बड़ा पुण्य है। भगवान के कहने से उन्होंने एक बार झूठ बोला तो उनका रथ नीचे चलने लगा। यदि भगवान की इच्छा से ही सब कुछ हुआ, झूठ नहीं बोले। जहाँ पर ऐसे बड़े धर्मात्मा राजा हो तो राजा के डायरेक्शन में और सब धर्मात्मा ही होंगे। तो जहाँ युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा व्यक्ति राजा हो, जत्र धर्म सुतो राजा और गदा पाणिर वृकोदर और शरीर बल भीम जैसे, भीम का शरीर है ये बिल्कुल वज्रसार जैसा था। वज्रसार कहते हैं लोहा को, लोहा का अगर और सार बनाया जाए, बहुत सार बनाया जाए तो इतना कठोर उनका शरीर था। जिस दिन जन्म हुआ भीमसेन का, माता कुंती उनको लेकर के गोद में नदी में जा रही थी तो एक बाघ निकला और कुंती पर झपटा खाने के लिए। वो डर गई और डरने से वो बच्चा एक पत्थर पर चट्टान पर गिर पड़ा हाथ से छूट करके, तो चट्टान चूर्ण चूर्ण हो गया। इसे समझ सकते हैं कि भीमसेन का शरीर क्या था। अभी आज का जन्मा हुआ बच्चा और पत्थर पर गिरा तो पत्थर चूर्ण हो गया, ये महाभारत में लिखा हुआ। वो शरीर था, शरीर बल पूरा पूरा भीमसेन के पास था। तो जिसके पास शरीर बल है और दूसरा है शस्त्र बल, गांडीव जैसा शस्त्र जिसके पास है और शस्त्र कुशलता भी है, अर्जुन जैसे फुर्ती, इनको सव्यसाची कहते थे। सभी लोग दाहिने हाथ से बाण चलाते हैं, अर्जुन बाएं हाथ से भी बाण चलाते थे, तो सव्यसाची कहते हैं। पूरे महाभारत युद्ध में 18 दिन अर्जुन को केवल एक दिन पसीना हुआ बस, अर्जुन पर एक बाण भी नहीं लगा, जबकि सारे महारथियों के निशाना अर्जुन थे सबके, लेकिन रक्षक भगवान थे। तो सबके बाण आते थे लेकिन उनका कुछ भी नहीं होता था, सबके बाण निरस्त हो जाते थे। ऐसे वे अस्त्र विद्या में कुशल हैं, ऐसा व्यक्ति युधिष्ठिर महाराज के साथ है और भीमसेन है, गांडीव धनुष है और अर्जुन जैसे धनुष विद्या जानने वाले, और सर्वेश्वर श्री भगवान जहाँ सुहृद हैं, पड़े हुए हैं कि पांडवों का हित हो, इनको दुख ना हो, इनको सुख मिले, योजना बनाना, सब प्रकार का ततो विपद।
और फिर भी वहां विपत्ति देखी जा रही है, जहां कृष्ण है अर्जुन है। अच्छा, केवल दो ही हो तब भी काफी है। संजय कहते हैं जत्र जोगेश्वर कृष्णो जत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर्मतिर्म। जहाँ श्री कृष्ण है और जहाँ अर्जुन है गांडीव धनुषधारी, वहीं श्री है, विजय है, धर्म है, सब कुछ वही है। तो उन्होंने धृतराष्ट्र एक प्रकार से कह दिया कि आपके सभी बेटा मारे जाएंगे, विजय तो अर्जुन की होगी। गीता सुना रहे हैं संजय धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र ने पूछा था ना शुरू में, धर्म क्षेत्र कुल क्षेत्र संवेता युद्ध सभा माम कह पांडवाश्च एव किम कुर्वत संजय। संजय से प्रश्न किए थे। संजय गीता सुनाने के बाद भीष्म पिता धृतराष्ट्र महाराज को, धृतराष्ट्र महाराज भी पूरा गीता सुने हैं, तो अंत में संजय कहते हैं कि जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थो धनुर्धर जत्र कृष्ण जोगेश्वर जत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति। महाराज उसी पक्ष की विजय है, आपके बेटा बेकार खड़े हैं, आप अभी फोन करके रोक दीजिए युद्ध। ये हस्तिनापुर में बात हो रही थी। भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया था, इनको देना चाहता था, वेदव्यास देना चाहते थे लेकिन नहीं लिए, वे कह दिए हमारे सचिव को दे दीजिए संजय को। तो संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वो देख लिए कि सब मारे जाएंगे। ये श्लोक इसी आशय से बोल रहे थे कि महाराज युधिष्ठिर अभी भी खबर भेज करके युद्ध रोक दे, इनका अधिकार था, रोक सकते थे। और जो सत्य थी बात वो बोल रहे थे। तो जहाँ जोगेश्वर श्री कृष्ण हैं और सुहृद के रूप में हैं, परम हितैषी के रूप में, रात दिन इसी चक्कर में रहते हैं कि पांडवों का हित होना चाहिए, पांडवों का हित हो, उनको दुख ना हो, और फिर भी विपत्ति। कोई ऐसा चीज नहीं देखता है जिसके चलते आप लोगों को कारण माना जाए कि आपका पाप है, आपको दुख हुआ, नहीं, काल किया। तो इस पर प्रश्न उठता है कि अरे तो क्या काल भी भगवान श्री कृष्ण पर अधिकार रखता है? एक जगह तो आप कह रहे हैं कि श्री कृष्ण सुहृद हैं, पांडवों का हित करने पर पड़े रहते हैं, पर काल होने नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब काल श्री कृष्ण की इच्छा का भी अतिक्रमण कर रहा है, श्री कृष्ण को दबा रहा है। तब भीष्म पितामह कहते हैं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, बेटा नहीं कह रहे हैं, राजा के रूप में ही संबोधन कर रहे हैं। मैं कर दिया पहले स्वाभाविक, लेकिन भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को हमेशा राजा संबोधन कर रहे हैं। न यस्य करहितिद् राजन् पुमान् वेद विधित्सितम् यद् विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोपि। हे राजन, हे राजा युधिष्ठिर, अस्य श्रीकृष्णस्य विचिकित्सितम्, श्रीकृष्ण की योजना को, इनके अभिप्राय को, कब कौन काम करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, उसका क्या उद्देश्य है, इसको कोई नहीं जान सकता है। इसका मतलब है कि काल के भी काल श्री कृष्ण है, भीष्म पितामह कह रहे हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कृष्ण की इच्छा के विपरीत काल पांडवों को दुखी कर रहा है, ये श्री कृष्ण की इच्छा है कि इनको ये सब दृश्य दिखाया जाए, इन पर विपत्ति डाला जाए, ये श्री कृष्ण ही डाले हुए हैं, ये कहने का आशय। तो हे राजन अस्य विधित्सितम्, श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं और उस क्रिया में, उनके कर्म में क्या उद्देश्य है, इसको कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है। कर ही चित, किसी भी स्थान में कोई व्यक्ति नहीं है, किसी भी टाइम में कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है कि कृष्ण किस अभिप्राय से कौन कर्म कर रहे हैं, नहीं जानता। अच्छा ठीक है न जाने, लेकिन जानने की चेष्टा तो करनी चाहिए ना। श्री कृष्ण का हार्द क्या है, पांडवों को दुख दिया जा रहा है, पांडवों पर विपत्ति आती रही, कुंती विधवा हो गई और भी अनेक प्रकार की जो संकट आए पांडवों पर, ये आया श्री कृष्ण की इच्छा से।
क्यों ऐसे श्री कृष्ण इच्छा किए, इसको कोई नहीं जान सकता है, और जानने की कोशिश किया तो भ्रम में पड़ जाएगा, कोशिश भी ना किया जाए। भीष्म पितामह कह रहे हैं भाई, कोई चीज किसी चीज को कोई नहीं जानता है तो जानने की इच्छा तो करनी चाहिए ना। तो कहते हैं जद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यंती कवयोपि, बड़े बड़े विद्वान भी यदि श्री कृष्ण के प्रयोजन को जानने की चेष्टा करेंगे तो भ्रम में पड़ जाएंगे। ये बेकार है जानने की इच्छा करना, कृष्ण जो कहते हैं वो करना चाहिए। भीष्म पितामह के कहने का आशय ये है, कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं। अब प्रहलाद महाराज पर इतनी विपत्ति डलवाए हिरण्यकश्यप के द्वारा, अब क्या इनकी इच्छा है, क्यों करना चाहते हैं, इसको जानने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, बस उनकी लीला कहानी सुननी चाहिए। ये कोशिश नहीं करना चाहिए कि क्यों ऐसा किए, क्यों ऐसा कर रहे हैं। भगवान अपने कभी कभी प्रिय भक्तों के साथ भी ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि भक्त घबराने लगता है, क्या कृष्ण ध्यान नहीं दे रहे हैं या हमारी विपत्ति को समझ नहीं रहे हैं। नहीं, वही डाल रहे हैं और कुछ सोच करके डाल रहे हैं, उस भक्त के वे हितैषी हैं, सुहृद है, वो नहीं समझ रहा है, लेकिन वो जानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जैसे बच्चे के शरीर में अगर कोई फोड़ा हो जाता है तो माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, उसका शल्य चिकित्सा ऑपरेशन कराती है, बच्चा बहुत रोता है, घबराता है, क्योंकि उसका मवाद निकालना है घाव का। बच्चा इतना उसको विश्वास रहता है कि माँ मेरा सुहृद है, यही अपने गोद में रखती है, खिलाती है, पिलाती है, सहलाती है, तो माँ इतना कठोर थोड़े हो जाएगी। लेकिन फिर भी उस समय बच्चा रोता है और कभी कभी तो यहाँ तक कह देता है तुम मेरी माँ नहीं हो, हाय हाय ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन वो बच्चे के रोने पीटने की परवाह नहीं करती है माँ, बच्चे का हित करना उसका ध्येय होता है, वो करके ही शांति का अनुभव करती है। इसी तरह से श्री कृष्ण पांडवों के विषय में तो स्पेशल बात है, लेकिन और सामान्य भक्तों के विषय में उनकी ये दृष्टि है कि भक्त को कभी कभी वो दुख में डालते हैं, कभी कभी धन भी हर लेते हैं, और कभी कभी अपार धन देते भी हैं और आवश्यकता देखते हैं तो कभी लेते भी हैं। पर सामान्य पब्लिक के लिए इस रहस्य को जानना कठिन है कि क्यों ऐसा करते हैं। कभी कभी तो हम लोगों से भी लोग प्रश्न कर देते हैं, ये पांडव तो कृष्ण भगवान के इतने बड़े भक्त थे और उन पर विपत्ति ही आती रही, तो कृष्ण क्यों ऐसा करते हैं। खास भीष्म पितामह कह रहे हैं कोई नहीं जानता है, और जानने की चेष्टा किया तो और बेकार, भ्रम में पड़ जाएगा। इसलिए राजन, श्री कृष्ण जो कहते हैं वो कीजिए आप। तो श्री कृष्ण तो कह रहे थे कि आप राज कीजिए, चिंता मत कीजिए, शोक छोड़िए, यही कहने का आशय है भीष्म पितामह, इनकी आज्ञा का पालन कीजिए। उसी को उपसंहार करते हुए कहते हैं, तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो। तस्मात्, इसलिए जब आप लोगों का सुख दुख सब कुछ श्री कृष्ण की इच्छा के अधीन है, दैव के अधीन है, तो ऐसा विचार करके हे नाथ, हे हमारे कुल परंपरागत स्वामी, युधिष्ठिर महाराज को कुल परंपरा का स्वामी कह रहे हैं, ये राजा वर्तमान में बने हुए, परंपरा से आप राजा हैं और प्रजा इस समय अनाथ हो गई है, अराजकता छाई हुई, कोई राजा नहीं है, आप राजा है। भीष्म पितामह अपनी पूर्ण अनुमति दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को राजा बनने के लिए, इसलिए नाथ कह रहे हैं, हे नाथ, ये प्रजा अनाथ हो गई है, इस समय इसका पालन करने वाला, देख रेख करने वाला कोई नहीं है, और आप प्रभु हैं, आप समर्थ हैं, प्रभु आप समर्थ हैं सबका पालन करने में, तो आप प्रजा का पालन कीजिए। तस्य अनुविहितः सन, इन श्री कृष्ण के आज्ञा के अधीन रह करके,
इनका अनुगामी बन करके आप राजा बनिए और प्रजा का पालन कीजिए। हे भरतर्षभ, ये भरत वंश की जो परंपरा है, महाराज दुष्यंत से आ रही है, तो ये भरत वंश की परंपरा का उच्छेद मत कीजिए। आप उस वंश में परंपरा से आप राजा हैं, तो आप इस राजपद को संभालिए, प्रजा का पालन कीजिए। आप स्वयं रोएंगे तो ये ठीक नहीं है, आप स्वयं दुखी रहे, आपका काम है प्रजा का पालन करना। तो इसलिए आप राज कृष्ण के सेव कृष्ण के आज्ञा के अधीन रह करके आप प्रजा का पालन कीजिए। ये भीष्म पितामह का आदेश हुए। तो जो कुछ भी पांडवों के जीवन में हुआ है, ये कृष्ण की इच्छा से हुआ है, इसमें पांडवों का कोई दोष नहीं है। ये फ्रेंकली इस बात को कहना, समझाने के लिए, और ये सत्य है वास्तव में। तो ये काल के भी काल हैं, काल भी काल इनकी इच्छा है। वास्तव में श्री कृष्ण की जो इच्छा है, संकल्प शक्ति है, उसी को काल कहते हैं। काल कोई अलग चीज नहीं है। तो इसी को खोल करके भीष्म पितामह अब कह रहे हैं, क्यों श्री कृष्ण का अनुगत बना जाए, कृष्ण की इच्छा ही सर्वोपरि है। तो कहते हैं, ये कृष्ण जो हमारे मामा के लड़के हैं, वसुदेव जी के लड़के हैं, मान लिया अगर युधिष्ठिर महाराज कहें, इनकी इच्छा से सारी दुनिया चल रही है, सब इनके अधीन है। तब भीष्म पितामह कहते हैं, एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण अपमान मोहयन माया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। हे महाराज, एष वै ये श्री कृष्ण, चाहे जिधर भगवान बैठे हैं, उस तरफ उंगली करके कह रहे हैं, ये श्री कृष्ण ये साक्षात भगवान है, ये स्वयं भगवान है। ऐसा वही भगवान साक्षात, ये भगवान ही नहीं, स्वयं भगवान हैं श्री कृष्ण। और आद्य, यही आदि पुरुष हैं, महत्सृष्टा, कारणोदकशायी यही है, यही इस विश्व की सृष्टि करते हैं, प्रकृति में क्षोभ पैदा करके, यही आदि पुरुष हैं, और यही स्वयं परव्योमाधिपति वैकुंठपति नारायण भी यही हैं। जिनको तुम अपने मामा का लड़का समझते हो, ये साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान हैं, ये कारणोदकशायी पुरुष हैं, विश्व की सृष्टि करने वाले, और यही साक्षात नारायण हैं। मोहयन माया लोकम, इन लोगों को मोहित करते हुए यादवों में विचरण कर रहे हैं। ये कोई मनुष्य नहीं है महाराज, ये साक्षात भगवान। देखिए कृष्ण तत्व पर प्रवचन, सारे ऋषि मुनि बैठे हैं, महाराज युधिष्ठिर का शोक निवारण करना चाहते हैं ये, लेकिन जो स्वभाव है भक्त का, वो तो सभा में खुल ही गया। ऐसा वही भगवान साक्षात आद्यो नारायण अपमान, जिस समय श्री कृष्ण प्रकट थे इस पृथ्वी पर, उसी समय संसार के जितने भी बड़े बड़े लोग थे, समझ गए कि ये भगवान है, समझ गए कि भगवान है। और आजकल के बुद्धू लोग ये सब गीता आदि पढ़ कर के भी नहीं समझ पाते, जैसे कि ऐसे है हम ही लोग जैसे एक व्यक्ति थे, उनको कुछ लोगों ने भगवान कह दिया, अरे शैतान साला इस तरह की बात बोलने वाले। अरे कुछ पढ़ो तो, कुछ पढ़ो, कुछ सुनो बड़े लोगों से। वहाँ बैठे हुए सभा में एक से एक महान लोग हैं, स्वर्ग से आए हुए बृहस्पति जी हैं, वशिष्ठ हैं, गुरुदेव, भगवान परशुराम हैं, सब लोग बैठे हैं उनके बीच में, कह रहे स्वयं भगवान है, साक्षात भगवान है, महत्सृष्टा कारणोदकशायी पुरुष हैं, जो विश्व की सृष्टि करते हैं, और यही नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए जादव बन करके जादवों में संबंध विशेष से भ्रमण कर रहे हैं, किसी के पिता बने हुए हैं, किसी के पुत्र बने हुए हैं, वसुदेव जी के पुत्र बने हुए हैं, किसी के मित्र बने हुए हैं। वृष्णिषु चरति गूढ़श्चरति, छिप करके
छिप कर किसी के साथ किसी को किसी का आदर कर रहे हैं, किसी का आदर ले रहे हैं, किसी से प्रेम कर रहे हैं, इस तरह अनेक व्यवहार में अनेक संबंधों में श्री कृष्ण विचरण कर रहे हैं जदुवंशियों में। लेकिन महाराज ये साक्षात भगवान है। इस तरह उस सभा में बैठ इसी बोल रहे हैं तो यही बात सुनने के लिए कृष्ण के विषय में सारे ऋषि मुनि जुटे हुए हैं। जो कृष्ण को जानता है उसी का बोलना ठीक है ना। तो श्री कृष्ण के इस प्रभुता को, महत्ता को, भगवत्ता को जो जानता है, जिसका बहुत बड़ा अनुभव है, बड़े बड़े ऋषियों का संग किया था उन्होंने, और ये वसुत्तम समस्त वसुओं में श्रेष्ठ है, देवता है भीष्म पितामह, इस पूर्ववंश में उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन भगवान के प्रति जो उनका प्रेम है, भक्ति है, वो तो जा नहीं सकता। यद्यपि भगवान से विपक्ष में लड़े हैं, कौरव पक्ष से लड़े हैं, अर्जुन के विपक्ष से, लेकिन फिर भी भगवान के परम प्रिय हैं। तब तो इनको शरीर त्यागते समय भगवान दर्शन दिए। तो कृष्ण को इस तरह से जानते हैं। ये सवई भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान मोहयन माया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। ये छिप करके भ्रमण कर रहे हैं, पर पहचानने वाले तो पहचान ही जाते हैं कि ये साक्षात भगवान है। अभी श्री कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट थे, तब सारे ऋषि मुनि जुट करके उनको कह रहे हैं भगवान। स्वर्ग से आए हुए सब लोग, पाताल से आए हुए, इस पृथ्वी से आए हुए राजर्षिगढ़, सब कह रहे हैं कि ये भगवान है, भगवान है। किसी का कोई प्रतिवाद नहीं था, सबने स्वीकार किया आनंद के साथ। तो आज के युग में अगर कोई, यदि कोई व्यक्ति कृष्ण के बारे में ऐसा बोलता है तो ठीक है, बोले, गीता से बोले, भागवत से बोले, जो सुखदेव गोस्वामी बोले हैं, जो भगवान बोले हैं, और नहीं तो क्यों बोलेगा, बकवास क्यों करेगा। यदि नहीं बोलने आता है तो बोलना नहीं चाहिए वास्तव में, और सुनना भी नहीं चाहिए। श्री कृष्ण को जो स्वयं भगवान परब्रह्म परमात्मा के रूप में स्वीकार करे, उसी का प्रवचन सुनना चाहिए, नहीं तो नहीं। वैसे सुनने वाले को भी पाप लगेगा, कोई कृष्ण को जानता नहीं है और अटपटांग बोले। भीष्म पितामह जानते हैं भगवान को, नारद जी जानते हैं, वशिष्ठ जी जानते हैं, भगवान परशुराम जानते हैं, ये लोग वहाँ जुट करके कृष्ण के विषय में बात कर रहे हैं। अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षिर् नारद साक्षात भगवान कपिलो नृप। हे महाराज युधिष्ठिर, इनके विषय में, इनके अनुभव को साक्षात भगवान शिव जानते हैं। इनका अनुभव गुह्यतम है, इनके बारे में इनके अनुभव को ठीक ठीक अगर कोई जानता है तो है भगवान शिव और भगवान नारद और भगवान कपिल, ये जानते हैं कृष्ण के विषय में ठीक ठीक अनुभाव। हृदय में जो भाव है उसको प्रकट करने वाले जो लक्षण हैं उसको अनुभाव कहते हैं। भाव को प्रकट करने वाले जो क्रियाएं हैं, मुद्रा है, उसको अनुभाव कहते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया है, जैसे कृष्ण के प्रति किसी का भाव है तो वो कृष्ण की याद करके उसके आँखों में आंसू आता है, रोमांच होता है, वाणी गदगद हो जाती है, कुछ बोलता है कृष्ण के विषय में, सुनता है, उसके शरीर में जो विकार होते हैं वाणी में, इसको अनुभाव कहा जाता है। तो श्री कृष्ण के अनुभाव को देवर्षि नारद जी जानते हैं और भगवान शिव जानते हैं और भगवान कपिल देव जानते हैं। इस तरह संसार के जो सबसे महान लोग हैं वे कृष्ण के अनुभव को जानते। अनुभव का क्या अर्थ है कि महाराज आप लोगों के जीवन में जो दुख आया है तो श्री कृष्ण का जो परम प्रेम है आपके प्रति, इससे आया है और इसका साक्षात्कार आपकी माँ ने किया है या आप लोगों को है कि श्री कृष्ण कितना मानते हैं। तब तो इन विपत्तियों को ही कुंती महारानी मांग रही थी, तो कभी भी दुख नहीं मानी, उसको आनंद आ रहा था।
इस विपत्ति दे करके और तुरंत ही रक्षा करना, ये भगवान का अनुभव है। द्रौपदी के प्रति इतना स्नेह है भगवान का कि उसे भरी सभा में नग्न नहीं होने दिए। तो दुशासन और दुर्योधन के हृदय में दुर्भावना पैदा करके वस्त्र हरण कराना और इसके बाद वस्त्र घटने नहीं देना, बढ़ा देना, इसको अनुभव कहते हैं। भगवान का भाव है अपने भक्तों के प्रति, तब तो वे विपत्तियों से बचा रहे हैं। लक्षा भवन में आग लगाना बहुत अच्छा था क्योंकि भगवान ने बचाया, अगर आग लगी ही नहीं होती तो भगवान के अनुभव का पता नहीं चलता। भक्तों के प्रति कितना स्नेह है कृष्ण का, इसका पता नहीं चलता। इंद्र की वर्षा होने लगी ब्रज में तो भगवान अपने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए पहाड़ उठा लिए, यह है अनुभव। भगवान कितना स्नेह करते हैं अपने भक्तों से, इसको तो भगवान शिव जानते हैं और भगवान कपिल देव जानते हैं और देवर्षि नारद जानते हैं। भीष्म पितामह बोल, देवर्षि नारद वहीं बैठे हुए हैं और उनके सामने ही कह रहे हैं, अस्या अनुभावम भगवान वेद गुह्यतमम शिव देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृप, ये लोग जानते हैं। तो भगवान का अनुभव है। भीष्म पितामह ये कहना चाहते हैं कि महाराज, जितना प्रेम आप लोगों पर भगवान ने किया है उतना शायद ही किसी पर किए होंगे। ऐसे कहने के लिए भगवान की राजधानी, भगवान का गांव द्वारका है, लेकिन वे रहते थे हस्तिनापुर में ही, पांडवों के साथ ही ज्यादा रहते थे। कभी कभी भगवान की पत्नियां अर्जुन के प्रति बहुत रंज होती थी। अरे एक भक्त ने तो लिखा है कि अर्जुन क्यों नहीं स्त्री रहते, उसी को पत्नी बना करके रहते, जब वहीं रहना है तो इधर 16,000 विवाह करके और रहते हैं हस्तिनापुर में। तो अर्जुन के साथ ही घुमा करते थे प्रायः, उधर 2-4 दिन जा करके द्वारका और फिर चले जाते, उनको रहा नहीं जाता था। इसीलिए ऋषि मुनि भी जानते थे कि युधिष्ठिर के घर में भगवान रहते हैं, तो वे भी अपना आश्रम घर द्वार लोक परलोक छोड़ करके हस्तिनापुर में ही रहते थे क्योंकि वहीं भगवान रहते थे। तो भगवान भक्तों के प्रेम से मुग्ध होकर के इस तरह से रहते थे। इसको भीष्म पितामह अनुभव कह रहे हैं कि इनका अनुभव, इनका जो भक्तों के प्रति स्नेह है, प्रेम है, इसको भगवान शिव जानते हैं। और जो गुह्यतमम अनुभव, परम रहस्य में जिसको सब लोग नहीं जान सकते हैं, भगवान शिव जानते हैं। जो शिव जी साक्षात कृष्ण के ही स्वरूप हैं वे जानते हैं, और भगवान कपिल देव तो अवतार ही हैं भगवान के, और देवर्षि नारद जी। महाराज, यम मन्यसे मातुलेयम सुहृ प्रियम मित्रम सुहृतमम अकरोह सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम। महाराज, जिनको आप अपने मामा का लड़का मान रहे हैं, यम कृष्ण को दिखाकर कह रहे हैं, इनको आप वसुदेव जी का पुत्र मानते हैं, अपने मामा का पुत्र मानते हैं, और जिनको अपना प्रिय मानते हैं, अपने प्रेम का विषय, और मित्रम कृष्ण आपका सुहृद करने वाले हैं, सौहार्द करने वाले, सखा मानते हैं, सहायक मानते हैं, और सबसे बड़ा सुहृद हितकारी मानते हैं, यहाँ तक कि सौहृदात सौहार्द बस प्रेम के बस में अकरो, जिनको आपने बना दिया सचिवम, इनको आप मंत्री बना चुके हैं, आपको परामर्श देने के लिए, राय देने के लिए कभी कभी आपके साथ बैठ करके मंत्री का काम करते हैं, और यहाँ तक कि दूतम, सचिव तो बनाए ही आपने, दूत तक बनाया इनको, संधि दूत बनाया, दूत का मतलब वार्ता ढोने वाला, कोई संदेश ले जाने वाला, यहाँ तक बनाया आपने। अकरोह मैंने किया, जिनको आप मामा का लड़का मानते हैं, अपने प्रेम का विषय मानते हैं, जिनको सहायक मानते हैं और परम परोपकारी मानते हैं, यहाँ तक कि सौहार्द बस जिनको आपने अपना सचिव बनाया, दूत बनाया,
यहाँ तक कि सारथी तक रथ का ड्राइवर बनाया, अरे ये साक्षात भगवान है। पर आपके अनुभव आपके स्नेह के बस में ये सब कुछ कर रहे हैं, यही तो इनका अनुभव है, अपने भक्तों के प्रति प्रेम है। तो आपका ये दूत तक बने, आपका सारथी बने हुए हैं और मित्र, और सभा लगती है तो किस बात में हित है, क्या करना चाहिए, श्री कृष्ण सचिव बन जाते हैं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है, पांडवों के सचिव बन करके उनको राय देते हैं या सुनते हैं, फिर दूत बन जाते हैं, और तो और ड्राइवर का काम करते हैं, रथ का ड्राइविंग करते हैं, सारथी बनते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर ने मान लीजिए ये बात पूछा कि पितामह ये बात समझ में आती है कि हमने श्री कृष्ण को अपने मामा का लड़का समझा, अपना मित्र समझा, अपना सुहृद समझा, जो कुछ समझा, लेकिन ये भगवान कैसे मानेंगे कि ये हमारे फूफा के लड़के हैं, हम लोगों के प्रति इनका कैसे भाव होगा, ये तो ईश्वर है, साक्षात भगवान है। भीष्म पितामह कहते हैं कि ये सब भाव करने से इनमें कोई अंतर नहीं होता है, ये सम है, सम दृष्टि है सब तरह से, कोई छोटा काम करने से कृष्ण छोटा नहीं हो जाते। ऐसा नहीं कि रथ चलाने लगे तो अब अर्जुन से इन्फेरियर हो गए, जरूरत पड़ गई तो अर्जुन कहते हैं मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे समझाइए। सारथी बनने से क्या हुआ, और ये रथी थे तो सारथी की शरण ले रहे हैं। एक नीति श्लोक में कहा गया है कि कौआ यदि सुमेरु पर्वत के ऊपर बैठे और गरुड़ जी पर्वत के पेंदी में बैठे, फिर भी गरुड़ जी और कौआ ऊपर बैठे से थोड़े हो जाता है बड़ा, कौआ कौआ ही रहेगा, वो सुमेरु पर्वत के शिखर पर ही बैठ जाए तो इससे क्या होता है। श्री कृष्ण सारथी हैं तो क्या भगवान हैं, किसी भी स्थिति में वे स्वयं भगवान हैं, परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, ब्रह्म हैं, परब्रह्म। कोई काम उनको हीन नहीं कर सकता और कोई काम बड़ा नहीं कर सकता है। राजसूय सभा में उनकी अग्र पूजा हुई, इससे वे और बढ़ नहीं गए, जितना हैं उतना ही रहते हैं। इस श्लोक की व्याख्या कल प्रारंभ की जाएगी, यहीं पर हम बंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।